ये सैमसंग का M12 मॉडल है, तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों ये पैटर्न लगा हुआ है, और पैटर्न इसका भूल चुके हैं दोस्तों, पैटर्न मालूम नहीं है। तो इसको जैसे इसको पावर ऑफ करते हैं हार्ड रिसेट करने के लिए, तो ये देख सकते हैं दोस्तों पावर ऑफ भी नहीं हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, लैपटॉप या पीसी है ना, कोई सा भी हो वो चालू होना चाहिए, और उसमें एक ऐसे डाटा केबल लगा देना है, उसके बाद इसमें लगा देना है दोस्तों, है ना। बगैर सॉफ्टवेयर के कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये क्या करना है, ये देख सकते हैं ये तीनों बटन है ना, ये ऑफ ऑन वाले और ये अप एंड डाउन करना है। दोनों बटनों को जो है, तीनों बटन को एक साथ में ऐसे दबा के रखना है दोस्तों, ऐसे ऐसे दबा के रखना है। फ़ोन जैसे ही पावर ऑफ होता है छोड़ करके फिर ऊपर और इसको दबा के रखना है। तो थोड़ी दिक्कत है क्योंकि ये देख सकते हैं इसको बार बार इसको मैं लगाता हूँ ये तो छूट जाता है, क्योंकि ये पिन ख़राब है, मगर तब भी मैं कोशिश करूँगा इसको दिखाने का। तो ये देख सकते हैं दोस्तों ये चार्जिंग पिन ख़राब है इसके, बट कोई बात नहीं दोस्तों। ये तीनों को ऐसे होल्ड करके रखेंगे ये दोस्तों, जैसे पावर ऑफ होता है छोड़ करके फिर ऊपर और इसको दोनों को ले लेना है, ये देख सकते हैं दोस्तों। तो ये एक बार में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा से कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ऑन हो गया दोस्तों फ़ोन। तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, इसमें थोड़ा परेशान कर रहा है मेरा ये केबल, ये छोड़ देता है बार बार, तो इसको एक बार मैं और कोशिश करूँगा दोस्तों। वो कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, ऐसे तीनों बटन को एक बार में प्रेस करके रखना है, और जैसे पावर ऑफ होता है भनभनाहट सा होता है छोड़ देना है इसको, तो उसके बाद फिर ऊपर और नीचे दोनों को दबा के रखना है दोस्तों, बीच वाले को छोड़ देना है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों ये हार्ड रिसेट वाले ऑप्शन में आ गया है। यहाँ से आगे का प्रोसेस तो लगभग ज़्यादा लोगों को मालूम ही होता है, मगर जिसको मालूम नहीं मैं उसके लिए बता रहा हूँ। इसको नीचे करना है और यहाँ से ऑफ ऑन स्विच से ओके कर देना है, फिर नीचे करना है, फिर ऑफ ऑन स्विच से ओके कर देना है इसको, ठीक है दोस्तों। इसके बाद सिंपल सा क्या करना है आपको, ये रिबूट कर देना है, अगर हार्ड रिसेट करने के बाद अगर FRP लॉक लगता है तो उसके लिए मेरा वीडियो पहले से दिया हुआ है, चैनल में जाकर आराम से देख सकते हैं। वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों, और थोड़ा टाइम लगता है इसको ऑन होने में, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। तो थोड़ा वीडियो को फास्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों ये बिल्कुल रेडी हो चुका है फॉर्मेट के बाद,
तो इसकी ज़रूरत नहीं दोस्तों, इसको निकाल सकते हैं, एक केबल को निकाल देंगे हम। ये तो बस ऑप्शन आने के लिए वो लगाया जाता है, जब तक आप ये केबल उसमें अटैच नहीं करेंगे तो हार्ड रीसेट का ऑप्शन ही नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप एग्री कर लेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। ये फिनिश कर देंगे इसका। तो आप सैमसंग के जितने भी मॉडल हैं, सभी मॉडलों को जो है ऐसे आप हार्ड रीसेट करके इसका जो है पिन पैटर्न पासवर्ड अनलॉक कर सकते हैं। और जैसे FRP में आता है तो FRP भी ऐसे बाईपास कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और लाइक ज़रूर करें दोस्तों वीडियो को, और शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।